आपने वहां पर एक लफ्ज नहीं बोला है, चुपचाप खड़े रहे और मैं पता नहीं क्या सोचकर यहाँ पर आ गई थी। बेइज्जती करानी अपनी? रोना तो बंद करो वरदा। मेरा घर उजड़ है और आप कह रहे हैं रोना बंद करूं। अब रोना आ रहे तो क्या करूं मैं? वहां पे आवाज नहीं निकल रही थी ना आपकी, अब यहाँ पे भी आवाज ना निकाले। एक बात का तो यकीन हो गया मुझे, इस घर में मैं जीऊं या मरूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर सकता था वरदा, अम्मा से बात करने की कोशिश करता तो बात खामखां बढ़ जाती। तो ठीक है, आप बाहर जाएं, बाहर जाएं, उनको बोलें कि मैं वरदा को नहीं जाने दूंगा यहां से, उसका कोई कसूर नहीं है। जाएं। नादिर, मैं क्या कर सकता हूं वरदा, अम्मा से बात करूंगा खामखां बात बढ़ेगी। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने घर चले जाना चाहिए। आप मुझे एक ऐसी बात पर घर से निकाल रहे हैं जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप भी तो अपना बैग तैयार कर रही हो। तो मैं बैग इसलिए तैयार करी थी क्योंकि मुझे यकीन था कि आप कमरे के अंदर आएंगे, मेरा बैग छीन लेंगे, मुझे भरम था। लेकिन आप तो मुझे खुद घर से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं, मेरा सारा भरम तोड़ दिया आपने। वरदा, आपको कोई घर से नहीं निकाल रहा है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? देखो, कुछ दिन के लिए तुम अपने घर जाओगी और पीछे मैं अम्मा को समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ दिन की बात है, मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं खुद आपको लेने आऊंगा यार। Please try and understand। Trust me, yeah? ये देखो। नादिर, आपको पता ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे धोखा तो नहीं देंगे? भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे प्लीज मत मारो। कोई तुम्हें नहीं मारना चाहता। नहीं, मुझे प्लीज मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुमने दवाई खाई? मेरी तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। What?